कैप्सूल ये चला गया तू बसमी अल्लाम असल मैं यूट्यूब फैमिली उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ एक क्रीम का रिव्यू रिव्यू भी करूँगी साथ में इसका रिज़ल्ट भी चेक करेंगे मुझे काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि जो हमने अपने बच्चों को वाइटनिंग के लिए कुछ कोई क्रीम बता दें तो आपको पता है कि बच्चों की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है उनके ऊपर हम फार्मोलेट क्रीम्स नहीं लगा सकते ठीक है और जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है वो कहते हैं कि हम फार्मोलेशन क्रीम नहीं लगा सकते क्योंकि हमारी स्किन के ऊपर रिएक्शन हो जाता है तो उन सारी जो बातों का जो हल है वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी फिंगर क्रीम ये देखें जी इस तरह की इसकी पैकेजिंग है गार्नियर क्रीम की अच्छा ये मैंने ना स्मॉल वाली ली है इसलिए स्मॉल वाली ली है कि हमने इसका रिजल्ट चेक करना क्योंकि ये थोड़ी सी कॉस्टली होती है क्रीम लाइक मैंने जो स्मॉल वाली पैकेजिंग ली वो भी मुझे चार सौ रुपये में मिली है तो आपने जो है ना जब मैं आप लोगों को यही मशवरा दूंगी कि आप लोग स्मॉल वाली क्रीम ले लें ठीक है उसका रिजल्ट हम चेक कर लें उसके बाद फिर हम बड़े वाली डब्बी ले लेंगे तो ये है जनाब स्मॉल सी क्यूट सी डब्बी गार्नियर वालों की लाइट कॉम्प्लेक्शन इसको मैं ओपन करती हूँ तो इसका टेक्सचर कुछ इस तरीके से है अंदर से ये देखें ठीक है ये देखें अच्छा ये तो आप लोग जानते हैं कि इन क्रीम्स का जो रिजल्ट है वो थोड़े से स्लो होते हैं ये हर एक बंदे को ही पता होता है तकरीबन तो आज हम इस क्रीम के अंदर ऐसा क्या डालेंगे कि इसका जो टेक्स्चर है ना ये देखें थोड़ा सा ना ये क्रीम ड्राई हो जाती है फ़ौरन से जब हम इसको लगाते हैं ये देखें फ़ौरन से ना खिंचाव पड़ने लगता ड्राई हो जाती है तो इसको इसकी ड्राइनेस को भी ख़त्म करना है इसके जो रिजल्ट उसको थोड़ा सा बढ़ाना भी है फास्ट भी करना है उसके लिए हम इसमें क्या चीज़ ऐड करेंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे है मेरे पास दो अदद वाइटनिंग कैप्सूल्स आपको जरूरत नहीं है किसी डब्बी में इसको निकालने की ऑलरेडी इसके अंदर एक इतनी क्रीम नहीं है हम इजीली इसके अंदर बाकी चीज़ें ऐड कर सकते हैं ये देखें ठीक है तो इसको मैं रख देती हूँ इसके अंदर हम डालेंगे दो वाइटनिंग कैप्सूल्स ये मैंने डाल दिए एक कैप्सूल मैं करीब कर देती हूँ आप चेक कर लें इसको ठीक है ये मैं डाल रही हूँ इसमें दूसरा कैप्सूल ये चला गया उसके बाद यहाँ पे है मेरे पास फेयर एंड लवली आयुर्वेदिक ये सारी चीजें मेरे जो इंडियन सब्सक्राइबर्स हैं उनको अपने कंट्री से आराम से मिल जाएंगी क्योंकि ये इंडियन की ही इंडिया की ही मेड है गार्नियर क्रीम भी और फेयर एंड लवली दोनों प्रोडक्ट्स इंडिया के हैं तो उनको वहां से इजिली अवेलेबल हो जाएंगे अगर आ, आप, आपको ये क्रीम ना मिले एरोवेदिक तो आप सिंपल फेर एंड लवली क्रीम जो पिंक वाली है वो भी एड कर सकते हैं लेकिन ज्यादा नहीं थोड़ी सी एड करेंगे इसमें ये चली गई इसमें उसके बाद लास्ट में मेरे पास है यहाँ पे वाइटाम ई का कैप्सूल जिनकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है वो इसमें दो ऐड कर लें जिनकी स्किन नॉर्मल है वो इसमें एक ऐड कर लें अगर जिनकी स्किन ऑयली है वो भी इसमें ऐड लाजमी करेंगे ये मैंने इसमें ऐड कर दिया अब हम इसको मिक्स कर लेंगे मिक्स हम किस तरीके चीज़ से करेंगे यहाँ पर है मेरे पास फिंगर की सॉरी ये जो स्पून है इसकी बैक साइड को यूज़ करेंगे और इसको मिक्स करेंगे अच्छे से मिक्स कीजिएगा ये देखिए तो ये राजी हमारा फॉर्मूला जो है वो बनके तैयार हो गया है अब स्पून को लगी हुई है ना मैं वो इस वाले हैंड पे लगा के दिखाती हूँ आपको ये देखिए मिक्स करेंगे अच्छे से बिल्कुल अच्छे से इसको ब्लेंड कर लेंगे अपने हाथ पे ये देखिए अच्छे से इसको जब हम इसको लगाएंगे तो ये बिल्कुल फ़ौरन से आपके फेस के ऊपर जज्ब हो जाएगी इसको हम सेवन डेज लगाएंगे सेवन डेज का चैलेंज है सेवन डेज लगाएंगे मैं भी आप लोगों के साथ लगाऊंगी अगर आप लोग कहते हैं तो मैं वन शॉर्ट वीडियो सेवन डेज के बाद अपलोड करूंगी डेली एक शॉर्ट लिया करूंगी सुबह उठकर इसका रिजल्ट का मतलब एक शॉर्ट लिया करूंगी और उसको मैं जो है ना सेवन डेज की कंप्लीट एक वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अगर आप लोग मुझे कमेंट सेशन में बताएंगे तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ वो वीडियो शेयर करूंगी जिसमें एक ही वीडियो में आफ्टर सेवन डेज आपको डे बाय डे का रिजल्ट शो होता रहेगा तो आपने ये ज़रूर ट्राई करना है आज ही बना लें मेरे मेरे साथ ही इसको ट्राई करें ताकि सेवन डेज़ के बाद हम इसका रिजल्ट चेक कर सकें तो व्यूवर्स ये थी आज की रेमेडी होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़